पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन इस पद पर बने रहने के लिए उन्हें उपचुनाव जीतना होगा। उपचुनाव के लिए चुनी है उन्होंने भवानीपुर की सीट, जहां से कांग्रेस पहले ही पीछे हट गई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वह परोक्ष रूप से भाजपा की सहायता नहीं करना चाहते और इसलिए ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी उपचुनाव में खड़ा नहीं होगा। वहीं भवानीपुर की सीट ऐसी है जहां से ममता बनर्जी 2011 का उपचुनाव और 2016 में विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन 2021 के चुनाव में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की चुनौती को स्वीकार करते हुए नंदीग्राम सीट को चुना और अपनी यह भवानीपुर सीट दे दी शोभनदेव चट्टोपाध्याय को, जो कि तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन नेता और ऊर्जा मंत्री हैं। वे वहां से 28,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते और भाजपा के रुद्रानिल घोष को उन्होंने हराया। इस प्रकार जो चट्टोपाध्याय की जीत थी उसमें उन्हें 57.7% मत मिले थे और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत मिली है, इन दोनों को देखते हुए इस सीट से ममता बनर्जी का जीतना काफी सरल है, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस सीट के अलग अलग वार्ड्स में तैनात किया गया है यह देखने के लिए कि ममता बनर्जी न सिर्फ जीते बल्कि भारी मतों के अंतर से जीते और हर वार्ड से जीते, ऐसा न हो कि कोई एक वार्ड में वे पीछे रह जाएं। और इसके लिए तैनात किया गया है परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री सुब्रता मुखर्जी, उद्योग मंत्री पार्था चटर्जी, देवाशीष कुमार जो कि विधायक हैं पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र राश बिहारी से, और स्वयं ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बंदोपाध्याय। ये जो बड़े नेता हैं इनमें अलग अलग वार्ड्स को विभाजित कर दिया गया है कि वे वहां पर नजर रखें। और भवानीपुर सीट पर चिंता का कारण तृणमूल कांग्रेस के लिए एक तो यह है कि इस सीट ने निरंतरता नहीं दिखाई है। 2011 में इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लड़ी थी सुब्रता बख्शी और उन्होंने यहां 87,000 मत प्राप्त किए थे, जिससे उनका मत प्रतिशत हो गया 64.77%। उस समय ममता बनर्जी लोकसभा सांसद थी और इसके बाद उन्होंने इस सीट से उपचुनाव लड़ा था और उन्हें जो मत मिले थे वह 73,000 थे, जो कि सुब्रता बख्शी की तुलना में 14,000 कम थे, लेकिन जो मत प्रतिशत था वह अधिक था 77.46%। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि उपचुनाव में कम लोग मतदान करने जाते हैं। फिर 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी को 85,520 मत मिले, लेकिन जो मत प्रतिशत था वह मात्र 47.6% था। और 2021 के चुनाव में 73,505 वोट मिले हैं शोभनदेव चट्टोपाध्याय को और 57.7% रहा था मत प्रतिशत। लेकिन दूसरी चिंता का कारण यह है कि यह जो क्षेत्र है वह शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वहां पर मतदान कम होता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में मात्र 61% लोगों ने ही वोट डाला था, जबकि बंगाल में जो औसत है वह 80% से ऊपर का रहता है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के नेता इस चीज में भी जुटे हैं कि कम से कम वे 70% लोगों से तो मत डलवा ही पाए, और यह चुनौती इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव में कम लोग वोट देने जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस की चिंता का एक दूसरा कारण यह है कि इस सीट पर भाजपा का जो प्रदर्शन है वह लगातार बेहतर होता जा रहा है। 2011 में जहां भाजपा को मात्र 3.7% वोट मिले थे कुछ 5,000 वोट्स के साथ, वहीं 2016 में इस आंकड़े में वृद्धि हुई, 26,000 वोट मिले और 19.13% वोट शेयर था। 2011 के उपचुनाव में भी 2011 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा को अधिक वोट मिले थे और 2021 में भाजपा को लगभग 45,000 वोट मिले, जो कि 35.16% का मत प्रतिशत बनाता है। वहीं यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव देखें तो यह जो 8 वोट्स आते हैं उनमें से 6 वोट्स में भाजपा आगे चल रही थी। इस प्रकार तृणमूल के लिए भाजपा की चुनौती को गंभीरता से लेना भी सही बात है। और अगर हम अलग अलग वार्ड्स को देखें तो इनमें से 2 वार्ड्स ऐसे हैं 70 नंबर और 74 नंबर, जहां पर गैर बंगाली हिंदू रहते हैं। हमने देखा कि चुनाव के दौरान किस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाली बनाम गैर बंगाली का कार्ड खेला था और जिससे प्रत्यक्ष है कि ये लोग ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं गए होंगे, और जिससे हमने चुनाव परिणाम में भी देखा, क्योंकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय 70 नंबर की सीट पर
इस 70 नंबर के वार्ड पर 2100 मतों से पीछे थे, वही 74 नंबर के वार्ड पर 700 मतों से पीछे थे। लेकिन इन वार्ड्स की जिम्मेदारी मिली है फरहाद हकीम को, उन्हें जिम्मेदारी मिली है 74, 77 और 82 नंबर के वार्ड्स को। तो 74 नंबर पर तो शोभन देव चट्टोपाध्याय पीछे थे, लेकिन 77 नंबर का वार्ड ऐसा है जो कि मुस्लिम बहुल है और यहां से 21,000 मतों का अंतर था शोभन देव चट्टोपाध्याय के लिए, यानी उनकी जीत के अंतर का 3/4 भाग अकेले इस वार्ड से आया। 82 जो वार्ड है वहां पर स्वयं फिरहाद हकीम रहते हैं और वह एक तरह से उनकी मुट्ठी में है और यह भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए 77 और 82 नंबर के वार्ड को लेकर तृणमूल कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। जो चिंता है वह है 70 और 74 नंबर वार्ड को लेकर। साथ ही सुब्रता मुखर्जी को दिया गया 63 नंबर का वार्ड, पार्थ चटर्जी को 71 और 72 और ममता बनर्जी के भाई को दिया गया है 73 नंबर का वार्ड, जहां पर स्वयं ममता बनर्जी रहती हैं। इस तरह से वे लोग चाहते हैं कि यदि गैर बंगाली हिंदुओं में भी ममता बनर्जी ने भारी मतों से जीत हासिल की, जो कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को जो मत नहीं मिले थे वे यदि ममता बनर्जी प्राप्त कर लें, तो वे छवि प्रस्तुत कर सकेंगे कि ममता बनर्जी की बंगाल से बाहर भी राजनीतिक पकड़ है और जो राष्ट्रीय नेत्री के रूप में उभरने का वे प्रयास कर रही है उसमें सहायता मिलेगी इन वोट्स में जीत प्राप्त करके। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि जीत का अंतर कम रहा और जीत का कारण वही वार्ड रहे जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसा कि शोभन देव चट्टोपाध्याय के साथ हुआ था, तो यह छवि बनेगी कि मात्र मुस्लिम तुष्टिकरण करके ममता बनर्जी ने ये चुनाव जीते हैं और उनकी पकड़ हिंदुओं पर नहीं है। एक और चुनौती यह है कि दो वार्ड्स को छोड़कर जो 6 वार्ड हैं वहां पर मध्यम वर्ग के हिंदू रहते हैं और ममता बनर्जी ने जो अपना आधार बनाया है वह गरीबों की सहायता करके उन्हें पैसे या किसी प्रकार की सामग्री देकर अपना आधार अर्जित किया है, लेकिन इन मिडिल क्लास लोगों को ममता बनर्जी की इन योजनाओं का कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। ऐसे में यह चुनौती रहेगी कि ये लोग क्यों ममता बनर्जी को वोट दें। साथ ही जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरांत हिंसा हुई है उससे भी ममता बनर्जी की छवि खराब हुई है, विशेषकर हिंदुओं के सामने, और इसलिए इस चुनाव को तृणमूल कांग्रेस गंभीरता से ले रही है, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ हार और जीत तक सीमित नहीं है बल्कि कैसी जीत, कहां से जीत और ममता बनर्जी की छवि को निर्धारित करने वाले चुनाव है ये। मैं हूं निष्ठानुश्री, स्वराज्य को सब्सक्राइब अवश्य करें।